लगभग 1205 से में बर्बर और इस्लामी विचारधारा के शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने भारत के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने कई मंदिरों को तोड़ा और भारतीय सभ्यता को अपूरणीय क्षति पहुंचाए। बख्तियार खिलजी केवल भारत में ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र जैसे तिब्बत, चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और उससे भी आगे इस्लामी शासन स्थापित करना चाहते थे। बंगाल पर विजय प्राप्त करने का बाद बख्तियार कामरूप होके तिब्बत को अपने अधीन करने के लिए निकल पड़े, लेकिन खिलजी की इस अभियान को असम के राजा पीठू ने रोक दिया और खिलजी को करारी हार दिए। आहोम साम्राज्य विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी और पूर्वोत्तर भारत भी कभी मुगलों के अधीन नहीं रहा। आहोम और मुगलों के बीच में कोई बड़ा संघर्ष हुए, अधिकांश संघर्षों में आहोम ने मुगल को करारी हार दी या उन्हें वापस भेज दिया। यदि मुगल जीत भी गए, ये अपनी सफलता को अधिक समय तक नहीं रख पाए। इससे पता चलता है कि औरंगजेब का दायरा पूरे भारत को जीतने की कहानी केवल एक गलत प्रसार है। हमारे देश में ऐसे कई राजवंश थे जिन्होंने मुगल को तुलना में अधिक समय तक शासन किया था। उदाहरण का दौर पर पांड्या और पल्लवों दोनों राजवंशों ने 600 वर्ष से भी अधिक समय तक शासन किया था। उसी तरह ब्रह्मपुत्र घाटी में आहोमों ने लगभग 600 वर्ष तक शासन किया था। दक्षिण भारत के मध्यकालीन सोलाओं ने 431 वर्ष तक शासन किया था। ये केवल कुछ उदाहरण ही है। और इससे विपरीत अगर हम मुगलों के शासन को देखें तो मुगल हमारा देश में 330 वर्ष तक ही शासन किया था। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय राजाओं के गौरवशाली शासन को हमारा इतिहास के पुस्तक में उपेक्षित किया जा रहा है। मुगलों पर लासित बरफुकन के विजय को समझने के लिए हमें असम में इस्लामी आक्रमण के इतिहास को जानना आवश्यक है। असम के इतिहास में असमिया सेना ने इस्लामी ताकतों से अपनी भूमि संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई युद्ध लड़े। लगभग 1205 से में बर्बर और इस्लामी विचारधारा के शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने भारत के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने कई मंदिरों को तोड़ा और भारतीय सभ्यता को अपूरणीय क्षति पहुंचाए। बख्तियार खिलजी केवल भारत में ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र जैसे तिब्बत, चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और उससे भी आगे इस्लामी शासन स्थापित करना चाहते थे। बंगाल पर विजय प्राप्त करने का बाद बख्तियार कामरूप होके तिब्बत को अपने अधीन करने के लिए निकल पड़े, लेकिन खिलजी की इस अभियान को असम के राजा पीठू ने रोक दिया और खिलजी को करारी हार दिए। महाराज पीठू ने सफलता से दो बार खिलजी की आक्रमण पर विजय प्राप्त किया। महाराज पीठू के शासन की दौरान 1227 में कामरूप पर दूसरा आक्रमण हुआ। यही आक्रमण बंगाल के मुस्लिम सेनापति मोहम्मद गियासुद्दीन इवास खान द्वारा किया गया था। इस बार भी महाराजा पीठू ने अपनी कुशलता से मुस्लिम सेना को पराजित किया। राजा पीठू ने बख्तियार और गियासुद्दीन को हराकर न केवल पूर्वोत्तर भारत बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बसाया। इन क्षेत्रों के इतिहास आज अलग होता यदि महाराज पीठू ब्रह्मपुत्र के तट पर उनका विरोध करने में सफल नहीं होते। 1205 से 1682 तक इस्लामी ताकतों ने असम पर कुल 22 बार हमला किया। इन संघर्षों में मुस्लिम सेना केवल 9 बार ही असमिया सेना पर विजय प्राप्त कर पाए। यह जीत भी कुछ ही पलों के लिए थी और उन्हें जल्द ही इसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अधिकतर उन्हें शर्मनाक हार का सामना कर पड़ा। असम के सभी विजय गाथाओं में
सबसे उल्लेखनीय था 1671 सरायघाट युद्ध। यही युद्ध वीर लासित बरफुकन का नेतृत्व में लड़ा गया। जब मुगलों ने असम के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, तब राजा शक्रधर सिंह ने लासित बरफुकन को सेनापति नियुक्त किया था। प्रधान सेनापति का रूप में लासित बरफुकन को मुगलों को असम से बाहर खदेड़ने का जिम्मेदारी दिया गया था। उन्होंने अपने कुशल संचालन से सेना को पुनः सक्रिय किया और मुगलों पर विजय हासिल की। 1627 आहोम सेना ने लासित बरफुकन के नेतृत्व में गुवाहाटी को मुगलों से वापस जीत लिया। 1669 औरंगजेब ने राजपूत राजा राम सिंह को आहोम द्वारा जीते गए क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए भेजा था। 5 अगस्त 1669 के आसपास आहोम और मुगलों के बीच आलाबाई की लड़ाई हुए थी। इस लड़ाई में लगभग 10,000 आहोम सैनिक शहीद हुए थे। 1671 सरायघाट का युद्ध मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य विस्तार करने का एक बड़ा प्रयास था। आहोम सेना ने जुट के क्षेत्र को अच्छी तरह उपयोग करके तथा शत्रु कूटनीति, गरीला रणनीति, मनोवैज्ञानिक टेक्निक, सैन्य के बुद्धिमत्ता और मुगल सेना के कमजोर नौ सैनिक बलों का फायदा उठाकर मुगलों को हराया। उस युद्ध में लासित बरफुकन ने मौजूदा संसाधनों का सही और रचनात्मक इस्तेमाल करके विपरीत परिस्थिति को भी अवसर में बदलकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। संसाधनों की कमी, जनशक्ति की कमी तथा एक प्रशिक्षित स्थायी सेना के अभाव के बावजूद भी लासित बरफुकन ने राम सिंह के नेतृत्व वाले मुगल सेना को हराया। उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता रक्षा करने के लिए करो या मरो संकल्प के साथ धैर्य, दूरदर्शी और दृढ़ता से इस परिस्थिति का सामना किया। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि जब सरायघाट में मुगलों का खिलाफ युद्ध हुआ, तब लासित बरफुकन बीमार थे। लासित बरफुकन ने यह महसूस किया कि उनकी अनुपस्थित से सेना का मनोबल टूट जाएगा, इसलिए ये युद्ध के मैदान में उतरे। इससे आहोम सैनिकों का उत्साह मिला और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मुगल को खिलाफ जुट किया। लासित बरफुकन के अदम्य साहस और सही रणनीति के कारण सरायघाट युद्ध में असमिया सेना को बड़ी जीत मिले। राजा राम सिंह ने असम में अपने युद्ध के बारे में कहा कि एक अकेला व्यक्ति सभी सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। यहाँ तक कि मैं राम सिंह युद्ध में मौजूद होने का बाद भी किसी तरह की कमी और अवसर नहीं ढूंढ पाया। सरायघाट युद्ध की परिणाम असम के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के भविष्य को भी निर्धारित किया। ब्रह्मपुत्र घाटी ने प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्व एशिया को भारत की मुख्य भूमि का साथ जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ब्रह्मपुत्र की पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार और चीन तक कोई प्राकृतिक मार्ग है। ये मार्ग पाटकाई और इरावती नदी को पार करके म्यांमार पहुंचती है और वहाँ चीन की यूनान प्रदेश तक जाती है। पहली शताब्दी में सनातन संस्कृति का ज्ञान और विचार ब्रह्मपुत्र घाटी के माध्यम से भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। मुगलों ने असम पर आक्रमण की योजना इसलिए बनाए कि इस क्षेत्र के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश कर उन्होंने अपना एक्सपांशन कर सकता है, लेकिन लासित बरफुकन ने उनका इस प्रयासों को विफल कर दिया और एक नया इतिहास रचा। उस समय अगर आहोम सैनिकों ने मुगलों को गुवाहाटी में हराया नहीं होता, तो आज म्यांमार, असम समेत पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सांस्कृतिक नक्शा कुछ अलग होता। लासित बरफुकन का नाम असम की सीमाओं के आगे नहीं गया है। प्रसार की कमी का कारण ही लासित बरफुकन की ख्याति और वैभव लोगों तक नहीं पहुंचा।
हालांकि सैन्य प्रतिभा की पहचानते हुए 1999 में लासित नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट आर्मी कैडेट को लासित बरफुकन स्वर्ण पदक देने का शुरुआत की गई। इस महान युद्ध नायक की 400वीं जयंती के उपलक्ष में आसाम सरकार ने कोई कार्यक्रम का आयोजन किया है। लासित बरफुकन के जीवन और समय को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में कोई भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम के तहत 18 से 25 नवंबर तक रक्तदान शिविर, वृक्षरोपण, सांस्कृतिक और अन्य कई कार्यक्रम का पूरा आसाम में आयोजन किया गया है।